अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज़। व्यूअर्स, आज आप हाज़र हैं, हम आपकी खिदमत में फिर एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। ये लकड़ी के बोर्ड बन रहे हैं, ये शबीर साहब का सेटअप है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं इसके बारे में। पहले आपको इनका सेटअप दिखा देते हैं। ये बोर्ड पड़े हुए हैं इधर 9 4 7 4 4 4 8 10 के ये फ्रेम बने हुए हैं, और ये एक मशीन है रेगमार, इसके ऊपर ये लगाया हुआ है। ये दोनों साइडों पर रेगमार लगाया हुआ है और ये जो बीच में रिंग है ये लकड़ी का बना हुआ है। दो की मोटर है और ये शावर लगी हुई है और ये कटर है। ये कटर आम जो इलेक्ट्रिशियन है उनके पास भी होता है, सिर्फ ब्लेड का फ़र्क है। जरियों लगाने वाला कटर और ये ब्लेड और लगाना पड़ता है, और ये जो लकड़ी काटने वाला है ये ब्लेड और होता है। तो ये शबीर साहब पहले तो ये लेके आते हैं आरे से, इस तरह की ये लरें, ये कटी हुई चिरी हुई लरें जो हैं वो मिल जाती हैं आरे से। आरे से इन लरों को लाने के बाद ये इस कटर पे इसको काटते हैं, जिस भी साइज़ का बोर्ड बनाना हो, चार चार का बनाना है चार चार की लरें निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, सात चार का बनाना हो सात चार की, आठ दस का बनाना हो आठ दस की। उसके बाद इसकी बैक पे ये लगाते हैं, ये लकड़ी के ये पड़ी हुई हैं प्लेटें, इनको लकड़ी की ये बोर्ड की बैक साइड पर लगा देते हैं। उसके बाद इस मशीन पर ये रंधा लगाते हैं इसको रेगमार, और इससे ये मुलायम हो जाता है, तो फिर ये बोर्ड जो हो जाता है ये तैयार। तो कुछ शबीर साहब से इस कारोबार के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा शबीर साहब, ये आप काम कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया है काम करते हुए? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, कैसा काम है ये? काम अच्छा, मेहनत है वाला काम है, मेहनत वाला काम है। डिमांड कैसी है मार्केट में इसकी? डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। और मटेरियल पूरा हो जाता है? हाँ हो जाता है। दुकानदार राजी रहते हैं नाराज ही रहते हैं? जी शबीर साहब माल नहीं दे रहे। नाराज हमें दिखे कोई नहीं अभी तक। अच्छा, वो करते कैसे हैं आप काम, ये सबसे पहले आप बताएं। ये लरे लेके आते हैं आरे से? ये आरे से लरे लेकर आते हैं ना। हाँ, ये वाले लरे उस कटर पे काटते हैं, इस कटर पे साइज के हिसाब से जो भी बोर्ड बनाना हो। हाँ जी, चार चार का बनाना हो, आठ दस का, सात चार का, ये लरे निकल आती है उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप बनाते हैं फ्रेम? हाँ जी। हाँ, फ्रेम यहाँ पड़ा हुआ था, ये फ्रेम पड़ा हुआ था। हाँ, ठीक है, ये चार चार का फ्रेम है इधर, ये सात चार का फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम को बनाने के बाद उसके साथ ये फट्टी लगा देते हैं, ये फट्टी भी पूरे साइज की काट बना लेते हैं इसी कटर पर, और ये तैयार हो जाती है, ये तैयार हो जाता है। इसको फिर रेगमार लगाते हैं? रेगमार लगाते हैं तो साफ कर देते हैं। ये रेगमार वाली मशीन है। ठीक है। अच्छा, ये लरें जो आती हैं किस हिसाब से आती हैं? ये 600 रुपये मन के हिसाब से आती है। 600 रुपये मन के हिसाब से आती हैं। फिर जो ये आपका तैयार माल बिकता है ये किस हिसाब से बिकता है? ये दर्जनों से बेचते हैं, लेकिन ये 4000 रुपये मान के हिसाब से पड़ जाता है। ज़बरदस्त, अच्छा प्रॉफिट है इसमें, यानी कि मेहनत है आपकी? हाँ जी। 600 रुपये मन के हिसाब से आता है ये। मेहनत करने के बाद ये इसको फिटिंग करने के बाद ये तकरीबन 4000 रुपये मन के हिसाब से बिकता है। विवर जी, ये जो रेट है चार चार का बोर्ड का रेट है 190 रुपये, सात चार के बोर्ड का रेट है 240 रुपये, आठ दस के बोर्ड का रेट है 460 रुपये। अगर आप हल्की लकड़ी में काम करना, ये लकड़ी है बकान की, ब्रेक भी बोलते हैं उसे, उसकी अच्छी लकड़ी का, अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है। अगर आप काम करें हल्की लकड़ी के अंदर, पॉपुलर के अंदर, या बहुत सारी हल्की लकड़ियाँ भी होती हैं तो उसमें ये सस्ता भी हो सकता है। ये जो आपने मशीनरी बनाई हुई है या खुद ही बनाई हुई है? हाँ जी। तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, ये मोटर कौन सी लगी हुई है इसमें? दो की मोटर लगी हुई है इसमें, दो की मोटर है। ये शावट बनाई है आपने? हाँ। और ये लकड़ी का रिंग बना हुआ है? हाँ जी। और इसके दोनों साइडों पर रेगमार लगा हुआ है। ये रेगमार जो है ये कौन सा रेगमार है? ये रेगमार कबाड़खाने से मिलता है। कबाड़खाने से? लाट? हाँ, 25 नंबर का ये, 25 नंबर का रेगमार है, और लाट का होता है ये, बाहर से आता है। ये कौन सी जगह से मिलता है? मिश्री शाह लाहौर से। लाहौर मिश्रीसा से मिल जाता है? हाँ जी। 25 नंबर। ये जो मोटर लगी हुई है दो की मोटर है? हाँ जी। इसकी क्या प्राइस है, कितने में आ जाती है ये? ये 9-10 हज़ार रुपये की। 9-10 हज़ार की मोटर है। और ये रेगमार का क्या रेट है? ये कबाड़खाने से मिलता है, ये तो बहुत सस्ता है। सस्ता ही है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये जो कटर है इसकी क्या प्राइस है? ये 7000 रुपये का कटर है। ये 7000 रुपये का कटर है, यानी कि 15 से 20 हज़ार में आपकी ये मशीनरी तैयार हो जाती है। हाँ जी, और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो शबीर साहब, इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर भी आपके पास हाज़िरी लगवाते रहेंगे। तो व्यूअर, मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारी ऐसी वीडियोस YouTube चैनल पर आती रहती हैं,
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।